अपराधी बाल्टी या झोला में बम लेकर गांव में बेखौफ घुस जाए और उसके बाद गांव में तांडव मचा दे, तो इसे आप क्या कहेंगे। बात इतनी ही नहीं थी, अपराधियों की मंशा पहले गांव के स्कूल के अध्यक्ष पर हमला करने की थी। वो स्कूल पहुंचे भी, लेकिन जब अध्यक्ष नहीं मिले तो गांव में उनके संबंधियों के घर में घुसकर ताबड़तोड़ बम फोड़ने लगे। मनबड़ू अपराधियों की इस झिठाई को आप क्या कहेंगे। पुलिस को खुल्लम खुल्ला ललकार, नहीं तो क्या कहा जा सकता है। झारखंड के पाकुड़ में शनिवार दोपहर के बाद ऐसी ही घटना घटी। इसमें एक ही परिवार की एक बच्ची समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। पाकुड़ मुसफ्फल थाना के काकनबोड़ा गाँव शनिवार के दोपहर के बाद अचानक बमबाजी से दहल उठा। जामतल्ला गाँव के कुछ अपराधी एक बाल्टी में एक दर्जन के अधिक सुतली बम लेकर काकनबोड़ा गांव के स्कूल गेट पर पहुंचे। वो स्कूल के अध्यक्ष को खोज रहे थे, अध्यक्ष उस समय स्कूल में नहीं थे। उसके बाद अपराधियों ने दिलेरी दिखाई, अध्यक्ष के रिश्तेदार के घर में घुसकर आधा दर्जन बमों का विस्फोट कर दिया। इस घटना में एक बच्ची सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी मच गई है। अचानक एक के बाद एक धमाके से पूरा गांव दहल गया। दोपहर का वक्त था और ज्यादातर लोग घरों में आराम कर रहे थे। आसपास बाहर दुकान पर भी लोग मौजूद थे। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना के बाद हमलावर भाग निकले। आखिर अपराधियों ने इतनी साहस और ढिठाई क्यों दिखाई। गांव के लोगों की मौजूदगी में घर में घुसकर बम फोड़ने की साहस कैसे कर लिया। ऐसी घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने क्या पुलिस को खुली ललकार नहीं दी है। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है, लेकिन इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।